हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विद्युत यंत्र लेकर आया हूं। आप देख रहे होंगे, एक ऐसा विद्युत यंत्र लेकर आया हूं जिससे पानी के मोटर को बंद करने की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। ये इसमें दो तरह का डिवाइस लगा हुआ है, एक आप देख रहे हैं ये और एक ये डिवाइस जो है ये आपके जिस तरह से इस टेबल में लगा हुआ है उसी तरह से आपको पानी के टंकी में लगाना होगा। ये पानी के टंकी के पानी के लेवल को कंट्रोल करेगा, इसलिए इसका नाम वाटर लेवलर रखा गया है और इस डिवाइस का नाम है स्विचिंग सिस्टम। ये दोनों मिलकर के ही आपके मोटर को संचालित करेगा और मोटर को बंद भी कर देगा। इसे देखने के लिए अभी मैं एक डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूं आपको। इसमें ये टंकी है, इसी तरह की टंकी आपके घर में भी लगी होगी, बड़ी सी टंकी लगी होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटे से टैंक को रखा है ताकि आपको दिखा सकूं, एक डेमोंस्ट्रेशन दे सकूं। अब देखिए, मैं इसे ऑन करता हूं, आप देख रहे होंगे कि पानी चलना शुरू हो गया है। अब एक पानी निश्चित लेवल तक आने पर ये मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। आपने देख लिया, एक निश्चित लेवल तक आने के बाद मोटर बंद हो गया। इसी प्रकार यदि इसमें से मैं पानी थोड़ा निकाल दूं तो ये मोटर पुनः चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मोटर पुनः चालू हो गया है और फिर एक निश्चित लेवल तक आने के बाद मोटर बंद हो जाएगा। इस तरह से यदि इस डिवाइस को आप अपने पंपिंग सेट के साथ लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप पंप को बंद करने की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जैसे पंप चलते रहने पर टंकी ओवरफ्लो कर जाता है, दौड़ करके आप जाते हैं बंद करने के लिए। अभी बाजार में अलार्म भी आया हुआ है, अलार्म के बजने पर लोग जाते हैं दौड़ करके बंद करने के लिए, किंतु इस व्यवस्था को लगाने के बाद आपको मोटर को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसका कनेक्शन भी बहुत आसान है दोस्तों, देख सकते हैं इस डिवाइस में केवल चार तार निकला हुआ है। इसमें से दो तार इस लेवलर के साथ जुड़ेगा और दो तार आपके स्विच से जुड़ेगा, उस स्विच से जुड़ेगा जिस स्विच से आपका मोटर स्टार्ट होता है। और इसे कोई भी व्यक्ति जो भी थोड़ा बहुत बिजली का काम जानता हो वो कनेक्शन इसका कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।